गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे उसके दो कंपोनेंट के बारे में, ओके। जिसमें से एक कंपोनेंट था हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेकेंड कंपोनेंट था हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये दोनों कंपोनेंट क्या होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम या सेल मीडिएट इम्यूनिटी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर जब हम बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में, ओके। ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम लोग AMIS यानी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में हम लोग बी सेल यानी कैसे बी लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट हम लोग पहले क्लियर कर लिए थे कि जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट इज द टाइप ऑफ WBC एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, एंड अनदर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इज नेचुरल किलर सेल। बट टू मेजर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट डिवाइड टू फॉर्म इनटू बी प्लाज्मा सेल एंड बी मेमोरी सेल। इन अदर वे टी लिम्फोसाइट ऑल्सो डिवाइड टू फॉर्म फोर टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी मेमोरी सेल, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल एंड टी सप्रेशर सेल। तो ये अभी हम लोग ये सब सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में देखेंगे टी लिम्फोसाइट के बारे में। और जब ह्यूमरल इम्यूनिटी की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग बी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, तो उसके बारे में हम लोग पूरा इसमें डिटेल देखेंगे। तो बी ह्यूमरल इम्यूनिटी में कंसिस्ट होता है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीबॉडी इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन विच प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। तो एंटीजन क्या है, तो एंटीजन जो फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया वायरस जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वह एक तरह का अलग कंपोनेंट बनाता है या उसके बॉडी में एक कंपोनेंट होता है, वह कार्बोहाइड्रेट का भी हो सकता है, लिपिड का भी हो सकता है और प्रोटीन का भी हो सकता है, जनरली प्रोटीन का होता है। और वही हमें मेन रूप से हमारे इम्यून सिस्टम से फाइट करने का काम करता है, वह एंटीजन जो फॉरेन पार्टिकल पे होता है, यानी जो हमें डिजीज काउजिंग जो मेन पार्ट है किसी पैथोजेन का या किसी माइक्रोब्स का वह है एंटीजन। और उसी एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक प्रोटीन का कंपोनेंट बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है 5 टाइप्स के होते हैं, वो पूरा डिटेल अभी है आगे का पार्ट है। तो इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी में यानी कंसिस्ट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इट इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, प्रोटीन प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। जो एंटीजन हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स आता है उसके रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन बनता है तो वह एंटीबॉडी है। That circulate in our body like lymph, plasma। तो जैसे लिम्फ और प्लाज्मा हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं उसी तरह यह एंटीबॉडी भी हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है, ठीक है। तो किससे के साथ, तो हमारे बॉडी के बॉडी फ्लूइड के साथ मिल करके,
ये देखिए आपको ये बात थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि अभी ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो है एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी का पूरा डिटेल पार्ट ही हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय बी सेल वेयर एज टी सेल डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी बट इट हेल्प टू बी सेल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। टी सेल जो है वह किसी एंटीबॉडी को नहीं बनाता है डायरेक्टली, वो खुद नहीं बनाता है, लेकिन टी सेल बी सेल को मदद करेगा कि तुम एंटीबॉडी बनाओ। तो उसको मदद करने के लिए यानी बी सेल टी सेल की मदद से एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन टी सेल खुद नहीं बनाता है। तो मेन रूप से अगर कहा जाए कि एंटीबॉडी को कौन बनाता है, तो एंटीबॉडी को बनाने का काम जो है वह बी सेल के थ्रू होता है, किसी और दूसरे सेल के थ्रू नहीं होगा। एंटीबॉडी जो है वो हमें प्रोवाइड डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। एंटीबॉडी प्रोवाइड डिफेंसिव मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट में यह एंटीबॉडी जो है वह डिफेंसिव मैकेनिज्म को प्रोवाइड करेगा। अब एक हेडिंग देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी नाम क्यों पड़ा। ह्यूमरल इम्यूनिटी नाम इसलिए पड़ा है, यह बात ध्यान में रखने का है। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है यानी सबसे पहले तो बी सेल हो या टी सेल हो, दोनों सेल हमारे बोन मैरो में ही बनते हैं, लेकिन बी सेल जो है वो हमारे बोन मैरो में ही मैच्योर होता है। तो बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बी सेल, इसलिए उसका नाम बी सेल पड़ा। और बी सेल जो है वह एंटीबॉडी बना के हमारे बॉडी के फ्लूइड में मिक्स करता है। क्लियर हो गई बात। और वो फ्लूइड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है ह्यूमरल इम्यूनिटी। चलिए ये पॉइंट को भी, बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट सर्कुलेट इन बॉडी, सो दिस इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ओके, अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ बी प्लाज्मा सेल एंड बी मेमोरी सेल। फॉर्मेशन ऑफ बी प्लाज्मा सेल एंड बी मेमोरी सेल, दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग, और ये हेडिंग इसी टॉपिक में ही है, अभी अलग कोई टॉपिक नहीं है। अब इसके थोड़ा मैकेनिज्म को समझिए कि हम बताए थे आपको कि बी सेल दो तरह का बनता है, ठीक है, एक बी प्लाज्मा सेल और दूसरा बी मेमोरी सेल। तो ये फॉर्मेशन होता कैसे है, देखो सबसे पहले बात को समझो कि यह एक बी सेल है। ओके, दिस इज द बी सेल, और इस बी सेल के सरफेस पे इस तरह से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन है, ठीक। यह हो गया
बी सेल और ये हो गया एंटीबॉडी ऑन सरफेस ऑफ बी सेल। ठीक, इसके सरफेस पे भी बी सेल के सरफेस पे भी एंटीबॉडी होता है। बात को थोड़ा सा ध्यान में समझने की कोशिश करेंगे। जब यह बी सेल का सरफेस पे जो एंटीबॉडी है यह किसी एंटीजेन से इंटरैक्ट करेगा, तो यहां पर मान लो कि यह जो एक पार्ट है यह फॉरेन मॉलिक्यूल है, ठीक, ओके, एंड दिस इज द एंटीजेन। अब इसका इंटरेक्शन होगा इसके साथ में, इंटरेक्शन ऑफ एंटीजेन विथ बी सेल। ठीक, इंटरेक्शन हुआ, तो इंटरेक्शन होने का मतलब यह बी सेल हो गया, यह उसका सरफेस हो गया, सरफेस पे यह एंटीबॉडी है और यहां पर जो है वह आ गया एंटीजन। इंटरेक्शन हुआ दोनों का। जब इंटरेक्शन होता है तो यह बी सेल एक्टिवेट हो जाता है, तो यानी कि नाउ एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, यानी बी सेल जो है वह अब एक्टिवेट होगा। अब देखेंगे एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल। जब बी सेल इस तरह से इंटरेक्शन कर लेगा तो वह एक्टिवेट होगा और डिफरेंशिएट करने लगेगा। डिफरेंशिएट करने का मतलब कि अब वह अलग अलग तरह के बी सेल बनाना लगेगा, तो बी सेल फॉर्म क्लोन ऑफ नाउ एक्टिवेटेड बी सेल, एक्टिवेटेड बी सेल फॉर्म क्लोन ऑफ बी सेल। क्लोन का मतलब उसके जैसा ही। अब वही जो क्लोन बनेगा तो दो तरह का बी सेल बनेगा। क्लोन ऑफ बी सेल कहने का मतलब एक होगा प्लाज्मा सेल या बी प्लाज्मा सेल और दूसरा होगा बी मेमोरी सेल, बी प्लाज्मा सेल एंड बी मेमोरी सेल। चलो बी लगा दिया। तो ये कब, जब इस तरह के इंटरेक्शन होने लगेंगे तो इसमें ये मदद करेगा बी सेल को एक्टिवेट होने के लिए। कब हम एक्टिवेट कब होते हैं, एग्जाम के टाइम पे आप ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हो, अभी ज्यादा एक्टिवेट नहीं दिखाई देते हो। जो एनर्जी जो एफिशियंसी आपकी एग्जाम के टाइम पे होती है अभी नहीं होती है। तो यानी उसी तरह से ये बी सेल है, बी सेल हमेशा डिवाइड डिफरेंशिएट करके प्लाज्मा और मेमोरी नहीं बनाते रहेगा। ठीक, तो जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये रेशियो बढ़ गया, तो बी प्लाज्मा सेल और बी मेमोरी सेल बना। अब यहां पर बी प्लाज्मा सेल ये काफी शॉर्ट लाइफ होता है, यानी फॉर लाइफ फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए जिंदा रहेगा। और ये क्या करेगा, सिक्रीट
numerous antibody. तो जब ये बना बी प्लाज्मा सेल एक शॉर्ट लाइफ के लिए रहेगा और जब तक रहेगा बहुत ज्यादा एंटीबॉडी का सेक्रेशन कर देगा. अब एंटीबॉडी बन गया इससे, फिर बी मेमोरी सेल क्या काम करेगा? बी मेमोरी सेल ये लॉन्ग लाइफ का होता है. ओके, बी मेमोरी सेल का काम क्या है? जब फर्स्ट इनकाउंटर होता है यानी कोई पैथोजन पहली बार, कोई पहला टाइप का बैक्टीरिया, मान लो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में गया, इससे पहले नहीं गया था, हमारे जन्म लेने के बाद फर्स्ट टाइम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया, तो वो हमारे बॉडी के लिए नया तरह का बैक्टीरिया है, उसको हमारा इम्यून सिस्टम नहीं जान रहा था. तो सारे इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होकर के इस तरह का बी सेल बनेगा, एक तरफ एंटीबॉडी बनेगा उस बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करेगा, और दूसरा जो मेमोरी सेल होगा और उस टाइप के बैक्टीरिया से बनने वाले एंटीजेन को या उस पैथोजेन को अपने मेमोरी में सेव कर लेगा. तो मेमोरी में सेव यानी ये देखेगा हमारा इम्यून सिस्टम कि यह बैक्टीरिया जो है ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया किस टाइप के एंटीबॉडी से न्यूट्रलाइज होता है. तो जिस तरह के एंटीबॉडी से वो न्यूट्रलाइज होगा उस एंटीबॉडी को अपने बी मेमोरी सेल के फॉर्म में मेमोराइज करके रख लिया. अब दोबारा से जब भी ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आएगा तो यह तुरंत रेडी रहेगा उस तरह का एंटीबॉडी को रिलीज करने के लिए, यानी यह तुरंत एंटीबॉडी निकालेगा और उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर देगा. आपको क्या लगता है कि हमें डिजीज ट्यूबरक्लोसिस या कोई भी डिजीज जो है वह एक बायक हम ठीक रहते हैं एक बायक हो जाता है? ऐसा नहीं है कि उससे पहले वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में नहीं आया था, इसके पहले भी हो सकता है आ चुका होगा या हो सकता है वो पहली बार आया हो, तो दोनों चीज होते हैं. तो जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया तो उससे फाइट नहीं कर पाया तो डिजीज हो गया, और अगर फाइट करके मार दिया उसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो हम हेल्दी रह गए. यही एक डिफरेंस होता है एक हेल्दी पर्सन में और एक डिजीज पर्सन में, इसी के डिफरेंस को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं कि जो फिट है फाइनाइट है उसका इम्यून सिस्टम मजबूत है, जो फिट एंड फाइन नहीं है इसका मतलब है कि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है. तो यह एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है एक हेल्दी पर्सन में और एक साथ ही साथ जो है वह डिजीज पर्सन में. और इस तरह का जो बी मेमोरी सेल और बी प्लाज्मा सेल बना इसी को हम लोग कहते हैं क्लोनल सेलेक्शन. दिस इज कॉल्ड क्लोन. हम बताए ना वहां पे कि फॉर्म क्लोन ऑफ बी सेल, तो दिस इज कॉल्ड क्लोनल सेलेक्शन, इसी को क्लोनल सेलेक्शन हम लोग बोलेंगे. तो थोड़ा सा आपको ये सब बात जो है ध्यान में रख के चलना है, ठीक है. उसके साथ साथ देखो तो हाँ मैं ये क्या कह रहा था कि बी मेमोरी सेल, तो बी मेमोरी सेल का आप जैसा जानते हैं कि काम क्या है, तो मेमोरी बी सेल एक्टिवेट होगा बनेगा और मेमोरी सेल अपने लॉन्गर लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, यानी जो एंटीबॉडी है या जो भी उस तरह का जो बैक्टीरिया आया था उससे रिलेटेड जो बात है उसको मेमोराइज करके वह अपने अंदर रखने का काम करेगा. तो एक्टिवेटेड जो बी सेल मेमोरी बी सेल जो है वो बना है और मेमोरी स्टोर रहेगा, तो लॉन्ग लाइफ स्टोरिंग बॉडी आफ्टर फर्स्ट एनकाउंटर टू पार्टिकुलर फॉर पार्टिकुलर पैथोजेन. तो उस पार्टिकुलर पैथोजेन के लिए ये मेमोराइज करके रखेगा. तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान में हो गया. अब आइए हम लोग देखते हैं सेल मेडिएट इम्यून सिस्टम, ठीक है ना. तो यहां पे सेकेंड अब हम लोग देखेंगे सेल मेडिएट
इम्यूनिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं बोथ बी सेल एंड टी सेल आर फाउंड इन बोथ बी सेल एंड टी सेल आर फॉर्म इन बोथ बी सेल एंड टी सेल आर फॉर्म इन बोन मैरो। दोनों कहां बना है? दोनों बने हैं हमारे बोन मैरो में, ठीक है। बी सेल मैच्योरिंग बोन मैरो बट टी सेल मैच्योरिंग थाइमस। अब एक टर्म आता है, तो दोनों जिस प्रोसेस से बनते हैं उस प्रोसेस का नाम है हिमेटोपोएसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सेल कॉल्ड हेमेटोपोएसिस। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? हेमेटोपोएसिस। टी सेल का दो इंपॉर्टेंट काम है, एक रेगुलेशन का काम है और दूसरा उसका इंपॉर्टेंट वर्क है साइटोटॉक्सिसिटी का। और इसी बेसिस पर जो टी सेल है वो फोर टाइप के टी सेल होते हैं। एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, दूसरा होता है मेमोरी सेल यानी मेमोरी टी सेल, तीसरा होता है टी हेल्पर सेल और लास्ट होता है टी सप्रेसर सेल। तो ये चार टाइप के जो सेल हैं यानी टी सेल हैं, हेडिंग देंगे हम लोग टाइप्स ऑफ टी सेल। ओके, तो फोर टाइप्स के टी सेल हैं। फोर टाइप्स के कौन? टी सी एल यानी पूरा नाम टी सी एल या साइटोटॉक्सिक टी सेल, दूसरा है टी हेल्पर सेल, फिर है टी मेमोरी सेल यानी इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, और एक होता है टी सप्रेसर सेल, ठीक है ना। तो सप्रेसर टी सेल या टी सप्रेसर सेल, चारों के टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग को जानना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं यानी फर्स्ट हम देखेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल के बारे में, और वो इंपॉर्टेंट वही है भी, साइटोटॉक्सिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें ही तो आपको मेन समझना है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल का क्या काम है, ठीक है, या फिर जो टी हेल्पर सेल है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो हेल्पर सेल नाम क्यों पड़ा, सप्रेसर सेल नाम क्यों पड़ा और साइटोटॉक्सिक नाम क्यों पड़ा, ये बात भी हम लोग ध्यान देंगे। ओके, चले थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा इंक भी डाल लूं, ब्लैक इंक भी हो जाए, तब एक साथ समझने में आसानी होगी हम लोगों को। चलो तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा
ये है हमारा, चलिए आइए फर्स्ट ये देखते हैं हम लोग, साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल हमारा जो बात है, ये साइटोटॉक्सिक नाम क्यों पड़ा? साइटोटॉक्सिक टी सेल को हम लोग किलर सेल भी बोलते हैं। क्यों? कि इस साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर एक एंटीजेन को बाइंड करने का रिसेप्टर होता है, तो यह एंटीजेन से बाइंड करके इसके पास एक मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करने वाला एंजाइम होता है, एंजाइम कहें या केमिकल कहें, जिसका नाम है परफोरिन। ये बाइंड करके उस एंटीजन के साथ जो भी लार्ज पैथ, तो इसके ऊपर वही परफोरिन होता है जो इसको इस तरह से क्या करेगा, पोर का परफोरिन फॉर्मेशन करा करके और उस सेल को यानी कि वो एंटीजेन के मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा। एंटीजेन का मेम्ब्रेन ब्रेक होने का मतलब हुआ कि पोर फॉर्मेशन कराएगा और सेल के अंदर के सारे सब्सटेंस जो होंगे वह बाहर आ जाएंगे। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, तो साइटोटॉक्सिक सेल हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ऑल्सो कॉल्ड किलर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल का मतलब इसी को हम लोग किलर सेल भी कहते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल मतलब किलर सेल। अब एक चीज और देखिए, साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास में एक रिसेप्टर होता है, यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल के सरफेस पे एक एंटीजेन को बाइंड करने वाला रिसेप्टर होता है। इट हैज रिसेप्टर ऑन द सरफेस टू बाइंड विथ, इट हैज रिसेप्टर ऑन द सरफेस टू बाइंड विथ एंटीजेन। किसके साथ बाइंड करेगा? तो एंटीजेन के साथ बाइंड करने के लिए। और जब एंटीजेन के साथ साइटोटॉक्सिक टी सेल बाइंड कर जाता है, तब जाकर के यह एक परफोरिन केमिकल का सेक्रेशन कराता है। परफोरिन केमिकल जो हम बार बार कह रहे हैं, तो वह मेम्ब्रेन के ऊपर पोर का फॉर्मेशन कराने वाला केमिकल होता है। ओके, तो इस तरह से आपको यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। परफोरिन केमिकल जो क्या करता है, परफोरिन केमिकल मेम्ब्रेन के पोर का फॉर्मेशन कराने का काम करता है। ओके, चलिए ये बात जो है हम लोग समझे। अब नेक्स्ट देखिए इसी में, तो जब इसी चीज को हम लोग नोट डाउन करेंगे, when TCL bind with antigen, it secrete a chemical परफोरिन डेट काउज पोर ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ पोर ऑफ दी काउज पोर ऑफ डेट काउज क्रिएट ए पोर दैट क्रिएट ए पोर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ
एंटीजन, एंड ड्यू टू दिस सेलुलर कंपोनेंट रिलीज फ्रॉम दैट पोर एंड कॉज डेथ ऑफ एंटीजेनिक सेल। तो इस तरह से साइटोटॉक्सिक जो है वो काम कर दिया। इसके साथ साथ तो इस चीज को समझने के लिए एक थोड़ा आपको डायग्राम भी हम दे देते हैं। तो कैसे बात को समझेंगे, तो समझो कि यह एक लार्ज मॉलिक्यूल है या एंटीजेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक। और यह एंटीजेन का हो गया और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल हो गया और इसके पास एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर हो गया। दिस इज रिसेप्टर और एंटीजन के साथ इस तरह से जो बाइंड करेगा, दिस इज द एंटीजन रिसेप्टर बाइंडिंग, एंटीजन और रिसेप्टर बाइंडिंग। और ये जो हो गया, दिस इज टीसीएल साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट या साइटोटॉक्सिक टी सेल भी लिख सकते हैं, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। ये इस तरह से बना दिए, जरूरी नहीं है कि किसी एक लार्ज मॉलिक्यूल या एंटीजन के साथ सिर्फ एक ही बाइंड करे, एक से ज्यादा टीसीएल है, हमने इसलिए आपको दिखा दिया। तो ये कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, तो रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम टू क्रिएट ए पोर ऑन मेम्ब्रेन ऑफ एंटीजन। तो इस तरह से ये हो गया। तो ये टीसीएल सेल के फंक्शन के बारे में आप समझ गए, क्या होता है रिसेप्टर और क्या होता है परफोरिन केमिकल, किस तरह से ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। साथ ही साथ टीसीएल का जो सेल है, तो टीसीएल सेल यानी टी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट या इनएक्टिव करता है वायरस को, बैक्टीरिया को, फंगाई को, पैरासाइट को, ये सारे चीज को न्यूट्रलाइज करता है या मारता है, ये सारा एक ही चीज हुआ बात। तो समझें ये चीज को। अब आइए देखिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिख लेंगे। देखिए वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगाई एंड टॉक्सिन पार्टिकल, तो इस तरह से उन सब चीजों को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा या किल कर देगा। नेक्स्ट देखिए अब टी हेल्पर सेल।
टी हेल्पर सेल सेकेंड हो गया। टी हेल्पर सेल का काम क्या है? तो टी हेल्पर सेल एक ग्रोथ कंपोनेंट को रिलीज करता है यानी प्रोड्यूस करता है, तो ग्रोथ फैक्टर को जो स्टिमुलेट करता है, लिखते चलेंगे, दे प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर टू स्टिमुलेट बी सेल फॉर प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। दैट इज, तो ये आपका समझ गए कि टी हेल्पर सेल ही मदद करता है बी सेल को किस के लिए? एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए। तो टी हेल्पर सेल हेल्प टू बी सेल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो एंटीबॉडी के को बनाने के लिए टी हेल्पर सेल बी सेल का क्या करेगा? तो मदद करेगा। इसके बाद में देखिए टी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल क्या करेगा? तो टी मेमोरी सेल जो है वह जो फर्स्ट अटैक होता है किसी पैथोजेन का, उस फर्स्ट अटैक के बाद में या उस मेमोरी को स्टोर करके रख लेता है, और जब भी सेकेंड अटैक होगा तो ये तुरंत एक्टिवेट होकर के उससे फाइटिंग स्टार्ट कर लेगा। जैसे हम पहचान गए कि इस तरह का हमारा दुश्मन है, उसका रंग रूप शक्ल ऐसा है, तो जब भी वो दोबारा हम पहचान गए का मतलब क्या हुआ? हमने अपने मेमोरी में उसको स्टोर कर लिया कि वो दिखता ऐसा है, चलता ऐसा है, खाता ऐसा है, रहता ऐसे है। तो जैसे ही उस तरह का दोबारा हमें दिखा, मतलब हम अलर्ट कि ये हमारा दुश्मन है, हम एक्टिव हो गए। एक्टिव हुए तो दैट मींस कि हम जैसे ही वो हमें मिलेगा उससे फाइटिंग स्टार्ट। तो ये काम टी मेमोरी सेल का यही है। क्या है? तो टी मेमोरी सेल ये कब बनेगा? फॉर्म ड्यूरिंग द इनकाउंटर ऑफ एंटीजेन एंड कीप इन द बॉडी Keep in the body for long duration to quick fight against second attack of generally same foreign molecule। तो जब भी दोबारा उस तरह का अटैक आएगा तो उसे फाइटिंग अपना क्या करेगा? यह स्टार्ट कर लेगा। तो इसी के लिए यह बन के रेडी रहता है। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग इसके बाद में देखेंगे कौन सा। तो लास्ट है हमारा टी सप्रेशर सेल। टी सप्रेशर सेल क्या काम करेगा? तो देखिए टी सप्रेशर सेल, टी सप्रेशर सेल सप्रेस द फंक्शन ऑफ या सप्रेस द एक्शन ऑफ
टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल दोनों के फंक्शन को सप्रेस करने का काम किसका है, तो सप्रेसर सेल का है। तो इसीलिए और साथ ही साथ यह इनहिबिट करता है इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम को इनहिबिट करने का मतलब जो अटैक हो रहा है हमारे खुद के बॉडी के सेल से उस समय के सेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले इट सप्रेस दी फॉर द एक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ टी हेल्पर सेल एंड टी मेमोरी सेल। टी हेल्पर सेल एंड टी मेमोरी सेल तो दोनों के फंक्शन को ये क्या करेगा, सप्रेस करने का काम कर देगा। उसके साथ साथ जो एक्शन है देखते हैं हम लोग उसको भी। मतलब सप्रेस द तो ये टी मेमोरी सेल को और सॉरी टी मेमोरी सेल नहीं टी सी एल को यानी साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट को, ठीक है। और इट इनहिबिट दी एक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स फ्रॉम अटैकिंग ऑन से, ठीक है। यानी इम्यून रिस्पॉन्स को हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है तो वह इम्यून रिस्पॉन्स हमारे ही बॉडी के सेल को न मारे न डैमेज करे ये बचाने का काम, यानी वैसे इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने का काम भी टी सप्रेसर सेल ही करता है। साथ ही साथ ऐसा मानते हैं बिलीफ है कि इट इज बिलीव डेट कि जो टी सप्रेसर सेल है वह रेगुलेट करता है फंक्शन ऑफ अदर इम्यून सेल को। तो ये ऐसा मानते हैं बट कि इसका कोई अभी तक क्लियर कट जो प्रूफ है वो नहीं मिला है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। इट इज बिलीव दैट टी सप्रेशर रेगुलेट दी एक्शन ऑफ टी सप्रेशर रेगुलेट दी इट इज बिलीव दैट टी सप्रेशर रेगुलेट दी एक्शन ऑफ अदर सेल। तो हमारा इस तरह से या सेल मेडिएट इम्यून के यानी जो टी लिम्फोसाइट्स के बारे में जो बात है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा हेडिंग आएगा टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक टाइप जो है वह है एक्टिव
एंड सेकेंड टाइप जो है वो है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी के फिर टू टाइप हैं। फर्स्ट टाइप नेचुरल एक्टिव है और सेकेंड टाइप आर्टिफिशियल एक्टिव है। उसी तरह पैसिव के विद टू टाइप हैं, एक है नेचुरल पैसिव और सेकेंड टाइप जो है वो है आर्टिफिशियल पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव दोनों के टाइप का क्या क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी में हमेशा याद रखो, एक्टिव और पैसिव में पहला डिफरेंस याद रखो, जब हमारे बॉडी का सेल खुद एंटीबॉडी को बनाएगा दैट इज एक्टिव, और जब हमारे बॉडी में किसी दूसरे सोर्स से एंटीबॉडी आएगा, हमने अपने बॉडी में नहीं बनाया है, बना बनाया कहीं से आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव। तो ये बात याद रखो कि एंटीबॉडी फॉर्म इन आवर ओन बॉडी सेल दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड रेडीमेड एंटीबॉडी सप्लाई इन आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। बस पहले इतना दो डिफरेंस याद रखिए। अब उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या करता है, व्हेन एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन ओन बॉडी सेल कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी यह स्लो प्रोसेस है। एक्टिव इम्यूनिटी में टाइम टेकन लगता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आया और आधे घंटे में एंटीबॉडी तैयार हो गया, नहीं, टाइम लगता है। तो टाइम लगता है का मतलब है कि इसीलिए जब जरूरत एट ए टाइम की पड़ती है तो हम रेडीमेड एंटीबॉडी ले लेते हैं बॉडी में। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लो, टेटनस का इंजेक्शन आप लेते हैं, वो रेडीमेड एंटीबॉडी है और वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। ओके, तो वो अभी समझेंगे, पहले ये देखिए। तो ये स्लो प्रोसेस है लेकिन यह साथ ही साथ यह नेचुरल एंड हार्मलेस होता है, यानी यह नेचुरल तरीका है, खुद से हमारे बॉडी में डेवलप हुआ है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब इट इज टू टाइप्स, जानते हो कितने टाइप्स का है यह, तो टू टाइप्स के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो फर्स्ट देखिए नेचुरल, फर्स्ट जो टाइप है वह क्या है, तो वह जो है वह नेचुरल है। फर्स्ट टाइप नेचुरल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा बॉडी खुद से किसी डिजीज से क्योर हो जाता है, और क्योर कब होगा, जब एंटीबॉडी बना है, तो कोई भी एक पर्सन का, जैसे मम्स से हो गया, स्मॉल पॉक्स से क्योर पर्सन का जो बॉडी है वह कैसे है, तो वहां पर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, क्योंकि वह क्योर हुआ है का मतलब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने का मतलब है कि उसके अंदर एंटीबॉडी जो है वह उस डिजीज से फाइट करके, और तो एंटीबॉडी बना कैसे है, तो खुद के सेल से, यानी बी सेल जो है उसका खुद से एंटीबॉडी को बनाया है और जिसके वजह से वह खुद क्योर हुआ है। तो नेचुरल एक्टिव यानी ए पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम किसी भी अटैक से, पर्सन
ए पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम ए पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम ए डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स मम्स ETC is natural active immunity. तो फिर आप सोचेंगे सर आर्टिफिशियल क्या है. सेकेंड आर्टिफिशियल एक्टिव क्या कहता है कि जब हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप हो यानी एंटीबॉडी डेवलप हो. कैसे? तो वैक्सीन जो लेते हैं वो क्या करते हैं. वैक्सीन हम लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर के और एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाने का काम करता है. तो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कराने का काम किया मतलब इम्यूनिटी को डेवलप किया. तो दैट इज द आर्टिफिशियल एक्टिव. हमने आर्टिफिशियली उसको डाला है. नेचुरली हमारे अंदर अपने आप नहीं आया है. इट इज यानी कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय administration of vaccine like BCG, MMR. आप जानते हैं करवा चुके हैं MMR का मतलब. और जैसे पोलियो का हो गया पोलियो ओरल वैक्सीन. तो कोई भी वैक्सीन के थ्रू जो हम एंटीबॉडी को एक्टिवेट करा रहे हैं अपने बॉडी में यानी प्रोडक्शन करवा रहे हैं दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल. अब जाइए पैसिव इम्यूनिटी क्या कह रहा है. तो अब देखेंगे हम लोग पैसिव इम्यूनिटी. ओके सोचिए पैसिव इम्यूनिटी क्या हो सकता है. पैसिव इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि जब हमारे बॉडी के अंदर पैसिव इम्यूनिटी का मतलब जब हम रेडीमेड फॉर्म में एंटीबॉडी को ले रहे हैं यानी रेडीमेड एंटीबॉडी introduce into body that is antibody passively enter in body. It is faster than active. कैसे? और साथ ही साथ ये भी क्या है. It is two types में कौन कौन. तो आइए पहले देखते हैं हम लोग natural passive. क्या कहता है natural passive. नेचुरल पैसिव
का मतलब हुआ एंटीबॉडी तो बना है बॉडी के अंदर ही, किसी ना किसी सेल के अंदर ही, लेकिन सप्लाई हो गया है किसी दूसरे बॉडी में। जैसे मदर के अंदर बना हुआ एंटीबॉडी उसके अंदर फीटस जो है उसको सप्लाई हो जाना, तो मदर के प्लासेंटा से फीटस तक एंटीबॉडी जो सप्लाई होता है मदर से, दैट इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल पैसिव। खुद के बॉडी में तो बना नहीं, रेडीमेड एंटीबॉडी सप्लाई हुआ है मदर से फीटस में, या फिर कोलेस्ट्रॉम। अभी आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया होगा, तो कोलेस्ट्रॉम क्या है? द फर्स्ट लैक्टेशन ऑफ मदर मिल्क, या फर्स्ट मदर मिल्क उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। तो उसमें IgA यानी एंटीबॉडी बहुत ज्यादा होता है, तो वो बना है कहां? मदर के अंदर सप्लाई हो रहा है किसको? बेबी को, मिल्क के थ्रू। तो वो भी क्या हो गया? नेचुरल पैसिव हो गया। तो अब देखिए रेडीमेड एंटीबॉडी IgG सप्लाई फ्रॉम मदर टू फिटस, यानी किसको सप्लाई हुआ है? मदर से फिटस को सप्लाई हुआ है, फ्रॉम मदर टू फिटस, बिकॉज IgG कैन क्रॉस दी बैरियर ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा एक बैरियर है जिसको सब कुछ क्रॉस नहीं कर सकता है, लेकिन IgG जो है वो उस प्लासेंटा के बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ओके, साथ ही साथ ह्यूमन कोलेस्ट्रॉम यानी फर्स्ट मदर मिल्क क्या होता है? इसमें ह्यूमन कोलेस्ट्रॉम हैज IgA विच इज सप्लाई टू न्यूबॉर्न बेबी। तो ये सभी क्या हो गए? दीज आर नेचुरल पैसिव। अब लास्ट देखिए, एक नेचुरल पैसिव के बाद में तो आर्टिफिशियल पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव में क्या हो गया? तो जब रेडीमेड एंटीबॉडी डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंजेक्टेड होगा या एडमिनिस्टर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पैसिव। यहां पे क्लियरली रेडीमेड एंटीबॉडी डायरेक्टली एडमिनिस्टर और इंजेक्टेड टू बॉडी, डायरेक्टली इंजेक्टेड टू बॉडी कॉल्ड आर्टिफिशियल पैसिव। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो जैसे एटीएस कहने का मतलब क्या हुआ? एटीएस
एंटी टेटनस सेरम। तो कोई भी चीज जब कहीं से किसी भी चाकू से छुरी से या कहीं भी हाथ पैर कट जाता है तो क्या ले लेते हैं हम, टेटनस का इंजेक्शन ले लेते हैं, टेटिफेट बोलते हैं या टेटनस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो वो क्या है, एंटी टेटनस सीरम है वो। यह एटीएस कहां बनता है, इट इज फॉर्म्ड इन हॉर्स, हॉर्स के अंदर बनाते हैं इसको। और यह रेडीमेड है क्योंकि टेटनस किसके थ्रू होता है, टेटेनी बैक्टीरिया से। और अगर वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में गया तो हमारा इम्यून सिस्टम उतना तेजी से एंटीबॉडी इसको इनएक्टिवेट करने के लिए नहीं बना पाएगा जितना तेजी से टिटेनी बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। और एक बार टिटेनी बैक्टीरिया ग्रोथ करके हमें टेटनस काउज कर दिया यानी लॉक जॉ कर दिया तो दोबारा ठीक भी नहीं हो सकता है। तो एज एहतियातन क्या करते हैं हम लोग, प्रिवेंशन के तौर पर एक एंटी एटीएस का इंजेक्शन ले लेते हैं। कहने का मतलब एटीएस एंटी टेटनस सेरम इंजेक्ट कर दिया, वो रेडीमेड एंटीबॉडी है। तो जितना देर में हमारे बॉडी के अंदर बनेगा उसके पहले हम तुरंत लेकर के, यानी कहने का मतलब घर में कोई गेस्ट आ गया उसके पास टाइम नहीं है तो आप रेडीमेड समोसा ला करके उसको नाश्ता दे दोगे, उसके पास ज्यादा टाइम है तो आप क्या करते हो घर में कुछ अच्छा बना के खिलाते हैं। तो यानी कि ये जो एटीएस है वो रेडीमेड है, उतना टाइम हमारी बॉडी में नहीं है जितना कि वो एंटीबॉडी को बना सके। उसी तरह एक एडीएस भी होता है, एंटी डिप्थेरिक सेरम। तो ये सभी एग्जांपल जो है वो आर्टिफिशियल पैसिव के हैं, यानी डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडी अपने किसी के बॉडी में डाल देना या इंजेक्ट कर देना। तो ये थोड़ा डिफरेंस आप लोग को याद रखना होगा। तो ये हो गया हमारा पूरा क्या है, तो टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप्स याद रखिए, एक्टिव और पैसिव, और दोनों के नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, दोनों में क्या डिफरेंस है वो क्लियर आपको बताया मैंने। ठीक है, अब इसकी आगे की बात हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके।